एक मिनट रुक जाओ, सबका सबका चालू होने दो, रुक जाओ भाई, सब रेडी हो गए? रेडी हां, रेडी रेडी। नाम बताइए, नाम बताइए, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो बताइए, फिर डिटेल। अरे किसका ही 20 राहुल पांडे नाम है मेरा, और तारिक मलिक करके अक्यूज है, सीआर नंबर 32/2020 में, जिसपे पेडलर का केस लगा है, उनको हम रिप्रेजेंट करें। तारिक मलिक वाला यही केस है जिसमें भारती सिंह को अरेस्ट किया गया, वही सीआर है? नहीं, उससे वो सीआर अलग है, ये सीआर अलग है। ठीक है, तारिक मलिक को कब तक की ये दी गई है? उनको आज जुडिशियल कस्टडी हो गई। बिल्कुल, एक सलमान करके भी आपके क्लाइंट है? हाँ जी सर। क्या नाम? हमारे क्लाइंट नहीं, वो दूसरा एक वकील, उनकी यही सीआर में, लेकिन वो अक्यूज नंबर 1 है, हमारे क्लाइंट अक्यूज नंबर 2 है। ठीक है सर, आप कोर्ट में थे आज, भारती सिंह और हर्ष को भी पेश किया गया, उसमें क्या आर्ग्यूमेंट हुए, क्या एनसीबी ने उन लोगों की, उन दोनों की पुलिस कस्टडी मांगी? एनसीबी ने भारती की पुलिस कस्टडी नहीं मांगी, एनसीबी ने ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी ही मांगी, उनकी जुडिशियल कस्टडी ही मांगी। और हर्ष की? हर्ष की उन्होंने पुलिस कस्टडी मांगी, और 7 days दोनों को, लेकिन जैसी हुई उनके बारे में जुडिशियल कस्टडी भारती की हुई, जबकि जिनका की बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है, और एज फार एज माई नॉलेज पार्ट ऑफ कंसर्न, शायद आज या कल में उनकी बेल हो जाएगी। जब तक मैं हर्ष के बारे में उनको जुडिशियल कस्टडी दिया, भारती और हर्ष दोनों को जुडिशियल कस्टडी? नहीं नहीं, भारती को जुडिशियल कस्टडी है और हर्ष को जुडिशियल कस्टडी नहीं है, एनसीबी की कस्टडी में। थैंक यू सर।